Assalamualaikum student, this is your physics teacher Mohammed Kashif Anees, and in this video we are going to solve the NED Physics 2009. If you like this video, then kindly subscribe to my channel, students. So, इस वीडियो में जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था? जी, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था. फिजन का कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. सोप के ऊपर जो कलर बनता है इंटरफेरेंस, क्योंकि वहाँ पे एक थिन फिल्म बनती है, तो लाइट जब रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्ट होकर वापस आती है तो वो इंटरफेरेंस शो करती है, इसकी वजह से रेनबो बनता है हमारे पास. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डेल्टा ए, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट भी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पर यूनिट एरिया भी होता है, स्केलर क्वान्टिटी भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स. मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फोर्स का आप जब भी कोई फॉर्मूला देंगे तो उसमें लाजमी तौर पे साइन थीटा का फंक्शन आता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली एक्ट करती है और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है जी 90 डिग्री पर. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट इज प्रूफ टू बी ट्रांसवर्स इन नेचर, तो पोलराइजेशन इज द राइट एक्सपेरिमेंट. ये पोलराइजेशन ने कन्फर्म किया था कि इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट और मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट आपस में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं. टू मेक एन एन टाइप सेमी कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर डूपिंग. एन टाइप सेमी कंडक्टर की नहीं, हमें सिलिकॉन जिसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डूप कराना पड़ता है, यानी कि पेंटावेलेंट. स्टूडेंट्स, गैल्वानोमीटर कन्वर्ट कर दिया जाता है एमीटर में बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. स्टूडेंट्स, ये अगर आपने पुरानी वीडियो देखी तो आपको पता लग जाएगा, ये भी मैंने पुरानी वीडियो में करवाया था. इसमें 10 रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो 1/10 अगर आपने कनेक्ट कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा 1 आपके पास. दो चार्जेस हैं 3 मीटर अपार्ट, फोर्स इतनी है, आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना, आपको लगाना है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला. यहाँ पे क्यू वन क्यू टू होता है, दोनों सिमिलर है, तो मैंने डायरेक्टली क्यू स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे आर आ गया, तो आप क्यू निकालेंगे ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन के और उसका आ जाएगा रूट. स्टूडेंट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वोल्टेज, तो वोल्टेज बराबर होता है ई इंटू आर के, तो ई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर के. कर्पस्कुलर थ्योरी जो कि पार्टिकल थ्योरी थी वो सपोर्ट करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पुराना सवाल है जो बराबर हो जाता है बच्चों किसके, फोर्स के. एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन रेड लाइट, ऑब्वियसली बात है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वॉयलेट की. अब इसमें 10 एम्पेयर करंट गिवन है, टाइम गिवन है, चार्ज निकालना, तो आई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी लगाना है, लेकिन टाइम को सेकंड पे कनेक्ट कन्वर्ट कर देगा बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 60. सेमीकंडक्टर जो आजकल यूज़ किए जाते हैं वो सिलिकॉन से बने हुए होते हैं. ट्रांजिस्टर वोल्टेज और करंट दोनों को एम्पलीफाई करता है, आपने बीटा का करंट पढ़ा है. फोर्स की डायमेंशन बड़ी आसान सी है, फोर्स का यूनिट होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. केजी की डायमेंशन एम है, मीटर की डायमेंशन एल है, पर सेकंड की डायमेंशन होती है टी स्क्वायर. जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू. स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बारे में मैंने पहली ही बात की थी कि एक बॉडी है वो आगे जाना चाहती है लेकिन फ्रिक्शन उसे रोकेगी तो वो पीछे की तरफ लेगी, तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला आंसर जो है हो जाएगा. 10 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिया. सीरीज में जब कैपेसिटेंस होती है तो 1/C के टर्म्स निकलती है. 10 है तो आपने मल्टीप्लाई पर ये कर दिया, लेकिन आप देखेंगे 1/C के बराबर है तो आपको उसे पलटना ही पड़ेगा, तो ये बन जाएगा C/10 और सॉल्व करने पर बन जाएगा 0.1C. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय वेव, तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों वेव ट्रांसमिट कर सकता है. यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है और वोल्टेज पता है, हीट डेवलप निकालनी है. तो एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था V² / R × T, बस आप वैल्यूज प्लग इन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. रूबी जो है वो 3 स्टेट ले जा रहा है, क्योंकि रूबी के अंदर एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक साइडेड स्टेट होती है और एक मेटास्टेबल स्टेट होती है, तो ये 3 स्टेट ले जा रहा है. एक्सरेज जो होती हैं उनके अंदर अगर हम सारे ऑप्शन पढ़े तो मोर एनर्जी देन अल्ट्रा वायलेट, तो ऑब्वियसली बात है, और इनसे भी ज़्यादा पावरफुल होती हैं गामा रेज. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच.